दुबई में फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म। यहाँ काफी बड़े बड़े होटल्स हैं, जैसे ये वाला जो मेरे पीछे है, और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है आप अभी वो ही देखने वाले हैं पीछे। मेरे को लगता था दुबई में बहुत गर्मी होती है, बट आज ना काफी विंड है, तो इसीलिए मैं जैकेट नहीं निकालने वाली। ये जो दिख रहा है ये मरीना है, यहीं पर मेरी दोस्त गई है कायाक करने, तो हम यहीं पर उसका इंतजार करेंगे, खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करेंगे। देखो मुझे क्या मिला दुबई में आते ही। फ्लैग जिसको किसी ने कचरा कचरा करके समंदर में डाल दिया, उसको हम जेब में रखेंगे और घर लेके जाएंगे। मेरे पीछे शिकारी क्रेन्स है जो खाना ढूंढ रहे हैं बर्फ में, सारी बीच में बर्फ बोलने का इतना आदत लग गया, अभी सब जगह बर्फ ही बोलती हूँ। तो इनका पीछे हंटिंग चल रहा है। ये ही है वो सुंदर नज़ारा। बहुत ही बड़ा बीच है और ये उड़ रहे हैं सुंदर सुंदर पक्षी। मिल गया इसको, कुछ तो मिल गया। ये भी गया कौवा, उसने देख लिया कि उन लोगों को कुछ मिल गया। ये मिला दोस्तों और एक कचरा, इसे भी लेके जाएंगे घर। तो आज की सीख यही मिलती है दोस्तों, जब भी कचरा देखो उठाओ, सिर्फ देखो नहीं। तो ब्यूटीफुल माउंटेन पर्सन बिकम्स अ बीच पर्सन, क्योंकि ये इतना सुंदर। ये दिख रहा है मरीना, ये चल रहा है अजान, और ये रास्ते के साइड में ये बीच है, बहुत बढ़िया। सी व्हाट आई फाउंड, ये इतना पतला है इससे लाइट भी पास होता है। ब्लिप और शेल सारे तो सेम ही लग रहे हैं। ये क्या है, मेरा बहुत खेलना। दोस्तों आज की सीख यही मिलती है कि अगर कचरा दिखाई दे तो उठा लो उसको, घर लेके जाओ, क्योंकि ऐसी जो सुंदर जगह है उसे सुंदर ही रहने देना बहुत सही होगा। मैंने ना आज बैठ के इस ओशन से पूरा दिल खोल के बात करी है, पर इसने मुझे कुछ नहीं कहा। यू नो व्हाई? बिकॉज इट जस्ट वेव्स। मैं अभी बोल रही हूँ मैं बीच पे हूँ, बट क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए टू से कि मैं बीच में हूँ? लैंग्वेज लेसन्स 101 विद निशानी। पर मैं अभी बोल सकती हूँ कि मैं बीच पे हूँ, ना कि बीच में हूँ। करना, लाइक करना फ्री है, तो प्लीज डू इट राइट नाउ। थैंक यू। यस।